पीथमपुर मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्थान की ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन आज सागौर में किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के दौर में मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का विरोध करना था, जिसमें अलग अलग तरह के अशासकीय संस्थानों पर नीत नए नियमों से आर्थिक हानि पहुँचाई, जबकि संगठन को सरकार द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि सितंबर तक स्कूल का शिक्षण शुरू करने की अनुमति प्रदान करना था, परंतु अभी तक कोई संदर्भ में आदेश जारी नहीं किया है। अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों और स्कूल संचालकों के सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सरकार ने मांग की है कि महामारी के दौर के चलते इन संस्थानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाए, ताकि संस्थानों की आर्थिक हानि को कम किया जा सके। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एप्लीकेशन बनाई गई है, जिसमें काफ़ी कमियाँ हैं। हम शासन से मांग करते हैं कि उक्त एप्लीकेशन की विसंगतियों को दूर किया जाए। हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। पीथमपुर से संजय सुनगरा की रिपोर्ट। सर, किस विषय में मीटिंग रखी है? आज ये नालचा ब्लॉक में हम एकत्रित हुए हैं और मूल उद्देश्य हमारा अशासकीय विद्यालयों की हितकर योजनाओं को लागू करवाना और अहितकर योजनाओं का विरोध करना, ये मूल उद्देश्य मध्यप्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ का है। अभी वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है, उस ऐप को निरस्त करवाना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि उसमें कई विसंगतियां हैं। साथ ही अशासकीय विद्यालयों के प्रति इस कोरोना में जो हानि हुई है, उस हानि की पूर्ति उसके शिक्षक गण जिन्हें वेतन नहीं मिला है, शासन से मांग करेंगे कि उन्हें वो वेतन उपलब्ध करवाए। साथ ही अशासकीय विद्यालयों को कोई पैकेज प्रदान करे, जिसके मारे वो उनकी चलते हुए व्ययों की पूर्ति कर सके। बच्चों के लिए विद्यालय खोलने के लिए शासन से हमारी बात हुई थी, उन्हें 1 सितंबर से विद्यालय खोलने का आश्वासन दिया था, लेकिन चूंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ऐप इसमें संशय पैदा कर रही है और निश्चित रूप से उसे लेके हम हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट जाकर उसको सॉल्व करवाएंगे। किरायानामा जो रजिस्टर्ड हो रहा है उसे भी रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसके लिए यदि न्यायालय का सहारा लेना पड़ा तो मिलूंगा। मैं स्वयं हाईकोर्ट एडवोकेट हूँ और निश्चित रूप से प्रांत पर रहते हुए प्रांत के अध्यक्ष के दायित्व को निभाते हुए निश्चित रूप से शासकीय विद्यालयों के लिए हितकर कार्य करूँगा। सर, आपका नाम और पद? मैं कैलाश चंद्र आचार्य, मध्य प्रदेश प्रांतीय शासकीय शिक्षण संघ का अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।